हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बर्ड वाचिंग के लिए या वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन के लिए बेस्ट कॉम्पैक्ट लाइट वेट और अफोर्डेबल बाइनोकुलर खरीदने के प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा गॉस्की 10x42 रूप प्रिज्म बाइनोकुलर का। तो यहाँ पे 10x का मतलब द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द बाइनोकुलर, और जनरली जो 8x या 10x मैग्नीफिकेशन का बाइनोकुलर है वो बर्ड वॉचिंग के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप मोर देन 10x पावर के बाइनोकुलर को यूज़ करते हो तो हैंड हेल्ड सिचुएशन में आपका जो व्यू है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। और यहाँ पे 42 का मतलब द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इन मिलीमीटर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर परफॉर्मेंस आपको लो लाइट में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो और जब आप फील्ड में जाते हो तो आपके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहता है, और इसलिए आपका जो बाइनोकुलर है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इससे पहले ओलंपस का 8x40 बाइनोकुलर को यूज़ करता था, पर वो एक पोरोप्रिज्म बाइनोकुलर है, और जनरली जो पोरोप्रिज्म बाइनोकुलर्स होता है वो थोड़ा सा बल्की होता है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। पर ये जो गॉस्की 10x42 बाइनोकुलर है ये एक रूप्रिज्म बाइनोकुलर है, और इसलिए ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है देन माय प्रीवियस ओलंपस बाइनोकुलर। तो यहाँ पे इस बाइनोकुलर के बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है ये बहुत ही यूनिक मोबाइल होल्डिंग एडाप्टर, जिसको यूज करके आप आपका स्मार्टफोन को इस बाइनोकुलर के साथ अटैच करके आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या उसके इमेजेस ले सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है एक क्लीनिंग क्लॉथ। इसके बाद बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक कैरिंग बैग, जिसके अंदर आप इस बाइनोकुलर को कैरी कर सकते हैं, और इसके बाद द बाइनोकुलर इटसेल्फ। और यहाँ पे बाइनोकुलर के साथ आपको मिलता है रबर लेंस कवर और ग्लास प्रोटेक्शन, और यहाँ पे आपको मिलता है एक नेक स्ट्रैप जो कि बहुत ही यूजफुल है एक बाइनोकुलर्स को कैरी करने के लिए। यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर कुछ यूजर मैनुअल्स और वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बर्ड वाचिंग का बाइनोकुलर कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होने के साथ साथ उसका जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे इस बाइनोकुलर में यूज़ हुआ है बैक 4 प्रिज्म, जो कि सुपीरियर है देन BK7 प्रिज्म, और इसलिए आपको बहुत ही ब्राइट क्रिस्प क्लियर इमेज या व्यू आपको देखने को मिलता है इस बाइनोकुलर के साथ। दोस्तों, बाइनोकुलर के अंदर रिफ्लेक्टिव लॉस को कम करने के लिए और लाइट ट्रांसमिशन को इम्प्रूव करने के लिए कोटिन बाइनोकुलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और ये जो बाइनोकुलर है ये फुल्ली मल्टी कोटेड है, तो इसलिए आपको बहुत ही ब्राइट क्लियर और हाई क्वालिटी विजन आपको देखने को मिल जाता है। जनरली मार्केट में बजट कैटेगरी में आपको जो जो सारे बाइनोकुलर्स देखने को मिलता है उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन बहुत ही कॉमन है, पर इस बाइनोकुलर में मुझे बहुत ही मिनिमल क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिला। सुपीरियर ऑप्टिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ इस बाइनोकुलर का जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। द शॉक एब्जॉर्बिंग रबर आर्मर हाउसिंग इस बाइनोकुलर को बहुत ही टफ और रगेड बनाता है और बहुत ही अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो सेंटर फोकस व्हील है वो क्वाइट लार्ज है, और उसका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही स्मूथ है, और आप एक उंगली से या ग्लव्स पहन के भी बहुत ही आसानी से इसको ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों, बर्ड वाचिंग के लिए एक बाइनोकुलर का जो फोकसिंग स्पीड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और फोकसिंग के मामले में ये बाइनोकुलर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया। इस बाइनोकुलर के साथ आप बहुत ही आसानी से आपका सब्जेक्ट को फोकस कर पाएंगे, या एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे आपका फोकस को बहुत ही अच्छे से और स्मूथली जंप भी कर पाएंगे। यहाँ पे दोनों बैरल का जो हिंज है वो भी बहुत ही स्मूथली ऑपरेट होता है, और आप आपके आईज के हिसाब से या आपके हेड के हिसाब से दोनों बैरल को या आई कप को आप बहुत ही आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे।
यहाँ पे आई रिलीफ के लिए इस बाइनोकुलर के साथ आपको ट्विस्टेबल आई कप्स भी देखने को मिलेगा, जो कि मेरा प्रीवियस ओलिम्पस के बाइनोकुलर में नहीं था। उसमें रबर आई कप को फोल्ड करके आई रिलीफ करना पड़ता था, तो यहाँ पे अगर आप स्पेक्टेकली यूज करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक अडैप्टर एडजस्टमेंट रिंग भी देखने को मिल जाएगा, जिसका ऑपरेशन भी काफी स्मूथ है। इस बाइनोकुलर के साथ आपको ऑब्जेक्टिव लेंस कवर और ऑक्यूलर लेंस कवर भी मिलता है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस कवर है वो बाइनोकुलर के बॉडी के साथ अटैच रहता है, और ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस ओलिम्पस का बाइनोकुलर था उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस कवर या आई कप कवर था वो बहुत ही लूज था और वो अटैच्ड भी नहीं था, तो इसमें क्या होता है कि वो खो जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। यहाँ पे ये जो बाइनोकुलर है वो ट्राइपॉड कंपैटिबल है, पर इसके लिए आपको अलग सा एडाप्टर खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये जो बाइनोकुलर है ये रेन प्रूफ या वेदर सील्ड है, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में या डस्ट डर्ट मॉइस्चर में इस बाइनोकुलर को आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। इवन आप रेनी सीजन में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इस बाइनोकुलर के प्राइस के बारे में। तो इस बाइनोकुलर का जो प्राइस है वो गॉस्की के ऑफिशियल वेबसाइट में जो लिस्टेड है वो है $80, जो कि है अप्रॉक्स 6000 रुपीस। तो इंडिया से आप इस ऑफिशियल साइट से इस बाइनोकुलर को बाय नहीं कर पाएंगे। ये बाइनोकुलर amazon.in में भी अवेलेबल है, और जो अभी का प्राइस है वो है 8500 रुपीस। तो आप Amazon इंडिया से भी आप इसको बाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस बाइनोकुलर को ख़रीदना चाहते हैं तो जहाँ से आपको बेटर डील मिल रहा है वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। मैंने सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अब अगर मैं इस बाइनोकुलर की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इससे पहले इस ब्रांड के बारे में नहीं जानता था, और इसलिए इसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया होगा इसका भी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। पर पिछले 10-15 दिनों से इस बाइनोकुलर को यूज़ करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जो प्राइस में जो वैल्यू ये बाइनोकुलर प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। जैसे मैंने कहा कि मैं इससे पहले ओलिम्पस का 8x40 बाइनोकुलर का यूज़ करता था, और अगर मैं उस ओलिम्पस के बाइनोकुलर के साथ इस गॉस्की के बाइनोकुलर का ऑप्टिकल परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करूँ तो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस के मामले में मुझे दोनों बाइनोकुलर का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही महसूस हुआ, पर समटाइम्स मुझे गॉस्की में बेटर रिजल्ट देखने को मिला। ऑप्टिकल परफॉर्मेंस के अलावा बाकी जो जो सारे फीचर्स है वो इस गॉस्की के बाइनोकुलर्स में ज़्यादा है, और वो बहुत ही यूज़फुल और ईजी टू यूज़ है। तो मैंने सारे बाइंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो अगर आप चाहे तो वहाँ पे जाके सारे यूज़र रिव्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ पे जाके भी आप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कॉमेंट पर ज़रूर देना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में।